ये कहीं ना कहीं कमजोरी आई है, इसका मतलब हमको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इसका मतलब हमको अपनी साख पर भरोसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं कमी आई है, इसको मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाषण मिश्रा जी, ये सभी दलों में ऐसा हुआ है। मैं किसी एक दल को जिम्मेदार नहीं मान रहा हूँ, एक दल में नहीं। जैसे अच्छा नेताजी का सवाल, ऐसे ही आडवाणी का सवाल, ऐसे कांसीराम का हुआ था, तो ऐसी बात क्यों? ये तो सबके साथ, आपके आपके साथ भी यही होना है, कभी न कभी हमारे साथ भी होना है। बहुत कम समय है अतुल भाई, मैं आपको एक छोटा थोड़ा वक्त दूंगा, एक मिनट का सिर्फ। आपका जवाब बिहार का इलेक्शन है, अगर हैदराबाद की बात सुनी गई होती तो शायद 81 सीट आती। आप हिंदुस्तान का मुसलमान अतुल भाई भी भरोसा करता है, हिंदुस्तान का मुसलमान शिवपाल यादव पर भरोसा करता है, हिंदुस्तान का मुसलमान वीपी सिंह पर भरोसा करता है, हिंदुस्तान का मुसलमान मुलायम सिंह यादव साहब पर भरोसा करता है। बस इस भरोसे को कायम रखने की ज़रूरत है। बाकी हिंदुस्तान के मुसलमान ने लीडर हमेशा आप लोगों को माना और हमेशा आप लोगों को मानेगा, ये मेरा पूरा यकीन है इस बात का। और हम लोग जिस अलीगढ़ से मैं आता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस दुनिया में अगर कोई अच्छा मुल्क है, दुनिया के अंदर मैंने भी काफ़ी जगह घूमी है, तो सबसे अच्छा मुल्क हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, दुनिया में कोई अच्छा मुल्क है। और हमें सबसे अच्छी सांस लेने में जितनी खुशी यहाँ पर होती है, हमें कहीं नहीं होती। मैं बहुत जगह गया हूँ, इसलिए आप भरोसा रखिए, सिर्फ आपको जागने की ज़रूरत है। क्योंकि आज एक चीज़ मेरे दिल की बात है, मैं कहना चाहूँगा आपसे भी, आज हिंदुस्तान का आवाम आपका इंतज़ार कर रहा है सड़कों पर लड़ने के लिए। बड़ी बेबाकी से अभी एक बाबा रामदेव साहब ने बयान दिया था अभी 2 रोज़ पहले कि जो नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं, जिनको 65% जो लोग 65% है वो देशद्रोही हैं और जो 31% है वो देशभक्त हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर की माताजी अगर नोट लेने जाएं, बहुत शानदार काम, और अगर राहुल गांधी लाइन में लग जाए तो देशद्रोही, ये कौन सी नीति और कौन सा नज़रिया है? अगर बीजेपी काम करे वो देशभक्ति, और समाजवादी करे वो देशद्रोही। तो इस वक्त हिंदुस्तान की आवाम आपको संसद में नहीं सुनना चाहती, सड़कों पे देखना चाहती है, मेरा ऐसा मानना है। सब लोग, आप जितने लीडर हैं, इस 65% का ख्याल रखते हुए आप लोग सड़कों पर आएं। और ये नोटबंदी का मसला खाली नोटबंदी का नहीं है, अगर नोटबंदी है तो 10 साल पहले बाबा रामदेव का इतिहास पढ़ना, इनके पास पैसा कहाँ से आ गया इतना, काला धन तो वहाँ पर निकाला, वहाँ से एक गरीब आदमी, एक मालदार आदमी नहीं मर रहा हिंदुस्तान के अंदर। अभी यहाँ बीजेपी के लोगों ने कहा 75 लोग मरे, 80 नहीं, आपने उनसे कहलवाया, उनके मुंह से कहलवाया, यहाँ पर आपने माहौल लगवाई, ये 75 भी मरे तो क्या 75 में कोई मालदार है? सब गरीब हैं। कोई दबा से कोई बड़ा आदमी मरा नहीं, मर रहा। कोई दबा से बड़े आदमी का बच्चा भूखा मरा नहीं, मर रहा। किसी बड़े आदमी की शादी रुक रही है, 500 करोड़ रुपये की शादी हो रही है, गरीब की बेटी की शादी रुक रही है। तो जितना नुकसान हो रहा है आज आम जनता का हो रहा है, चाहे बीजेपी का हो या बीएसपी का हो या समाजवादी पार्टी का हो या किसी पार्टी का हो, इस वक्त जनता का नुकसान हो रहा है, किसी एक आदमी का नहीं हो रहा। और जनता आपका सबका इंतजार कर रही है कि कब आप लोग निकलोगे, जब आपके पीछे चलेंगे। सिर्फ एक आवाज़ दे के देख लो, अगर लोग, औरतें, मर्द, बच्चे अपने सड़कों पर ना जाए तो जब कहना। थैंक यू। क्योंकि इतनी शिवपाल जी, मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ पर मेरे अलीगढ़ में शिवपाल जी के पास समय कम है। अच्छा, एक बात करके खत्म हो रहा। मेरे अलीगढ़ में एक माँ ने अपने यहाँ आग लगाई, अपने जिस्म में तेल छिड़क के, सिर्फ किस बात पे कि वो 3 दिन से चक्कर काट रही थी, उसके पास दूध के पैसे नहीं थे। एक अर्थी जलाने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन नहीं, मैं नहीं जलाऊंगा, पहले मुझे नई नोट दो ला के। 4.5 घंटे में जब चंदा इकट्ठा हुआ 20-20 रुपए करके, जब उसको लकड़ी वालों को पैसे दिए गए, जब तो मुर्दा भी परेशान है और जिंदा भी परेशान है। थैंक यू। कैसा हमारा अच्छा वक्त है, अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवपाल जी, सत्ता संघर्ष और सरकार की कहानी आपने बताई। वासन जमीरुल्ला जी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं अलीगढ़ के, बहुत
अच्छे इंसान हैं और इस तरह के संवेदनशील मसलों पर इनकी बहुत बेबाक राय रहती है। हम आभारी हैं कि आप आए और अपनी बात रखे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आभारी हैं पूरे चैनल की तरफ से, आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और शिवपाल जी को खास तौर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमारे इस खास कार्यक्रम में हिस्सा लिए। कासिम जी, हम चाहेंगे कि प्रतीक चिन्ह आप भेंट करें।